जेई मेन 2020 का 9th जनवरी का, यानी आज का जो पेपर है 9th जनवरी 2020 का जो पेपर है फर्स्ट मीटिंग का, उसके कुछ क्वेश्चन हमें मेमोरी बेस्ड मिले हैं. दिस इज मेमोरी बेस्ड ओनली, ठीक है ना, अभी बच्चों से मिला है. ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन देखो, ये क्या है भाई, एनिलीन के मेटा पर लगा रखा है ब्रोमो, मेटा ब्रोमो एनिलीन. पहले रिएक्शन करवाई NaNO2HCl से, दूसरी बार रिएक्शन करवाई है आपने Cu2Br2 से, तीसरी बार HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाई, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं. आप देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. अगर मेटाब्रोमो एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2HCl से करवा दें तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, ठीक है ना, और ब्रोमो जैसे लगा हुआ है वैसे लगा हुआ रहेगा. इसकी रिएक्शन जब आप CuBr से या Cu2Br2 से करवाते हैं, ये सैंडमियर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है ना, तो इसमें यहां लग जाता है ब्रोमो, राइट. तो अब आपको मिल गया 1,3-dibromo बेंजीन. फिर इसका आपने करवाया है नाइट्रेशन. कैसे करवाया भैया आपने नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में. आपको पता है कि NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसमें जनरेट होता है, और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन बेंजीन पे कहाँ अटैक करेगा, तो बेंजीन पर ये जो ब्रोमो पहले से प्रेजेंट है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो इसके ऑर्थो पे अटैक करवाओ जो इसके लिए पैरा होगा, या इसके ऑर्थो पे अटैक करवाओ जो उसके लिए पैरा होगा, तो कहीं ये जगह कर दो, ठीक है ना, और तो पैरा डायरेक्टिंग ये होता है, तो ये बन जाएगा इस तरह से प्रोडक्ट. तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर 2. नोट करो, जेई मेन 2020 का 9 जनवरी का, यानी आज का पेपर है, मेमोरी बेस्ड है ये. एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, इसकी रिएक्शन पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से की जाती है ईथर की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय H3O+, और बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको H2SO4 के साथ हीट किया जाता है. व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, देख लेते हैं. आइसोप्रोपाइल लिया है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल है और एक तरफ जो है वो मिथाइल है, कीटोन के दोनों तरफ. आपने ETMGBR लिया, ETMGBR लोगे तो जो ETMGBR का जो ET है, इथाइल वाला जो पार्ट है, वो इथाइल वाला पार्ट कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा ऐसे यू, तो क्या बन जाएगा साहब ये, तब ये बन जाएगा O- और यहां पर आ जाएगा MgBr+, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे CH3 है, और ये बन जाएगा CH2CH3, ठीक है ना. जब आपने इसको H3O+ से H+ दे दिया तो ये OH बन जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि अब ये एक टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, और इस टर्शरी अल्कोहल के OH कंटेनिंग कार्बन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल है. अब आपने H2SO4 से रिएक्शन करवाई है, H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन से OH जो है वो OH2+ बन जाएगा और निकल जाएगा, E1 रिएक्शन, ठीक है ना. तो ये E1 की तरह से ऐसे प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये OH2+ बन जाएगा, और ये यहाँ से अब निकल जाएगा, ठीक है ना. जब ये H2O यहाँ से निकलेगा, when H2O leaves it becomes a carbocation, इट बिकम्स अ कार्बोकेटायन, राइट. अब इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा, अगर रीअरेंजमेंट से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा भाई. H माइनस शिफ्ट हो गई, H माइनस शिफ्ट के बाद ये क्या बन गया, H माइनस शिफ्ट के बाद ये बन गया एक टर्शरी कार्बोकेटायन, और जिसमें अल्फा एच भी ज़्यादा है. टर्शरी तो ये पहले भी था लेकिन अल्फा एच कम थे, अब ये इसमें अल्फा एच ज़्यादा है, ठीक है ना. अब इसमें से बीटा एच निकलेगा, मोस्ट क्राउडेड पोजीशन पर हो जाएगा एल्कीन, तो
तो सबसे क्राउडेड पोजिशन से ये अल्कीन बना लेगा, तो इस पर बन जाएगा इस तरह का एल्कीन। आप देख रहे हैं तो कैसा एल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे दो मिथाइल्स होंगे और एक कार्बन पे एक मिथाइल और एक इथाइल होगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। चेक करें इसको। जेई मेन 2020 का 9 जनवरी यानी आज का एक क्वेश्चन हमें मिला है। क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड पी, इसके तीन रिएजेंट्स हैं CH3MgBr से फॉलोड बाय H3O+ फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, कोई प्रोडक्ट बना। इसको इन्होंने कहा कि सर इसको हम क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करवाएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाने के बाद ये कंपाउंड मिला है हमें, ये वाला। उन्होंने कहा कंपाउंड पी क्या होगा, कंपाउंड पी क्या रहा होगा। जरा अगर ध्यान से देखें, गौर करें, तो पूरे प्रोसेस में कंपाउंड पी पर एक कार्बन ग्रिगनार्ड से आया है, तब ये कार्बन्स कितने हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी हमारे कंपाउंड पी में ओरिजिनली 11 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको एक बिल्कुल इस तरह का थॉट दें कि भाई हम कितने कार्बन वार्बन गिन के, बिना उसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें 11 कार्बन्स हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें भी 11 कार्बन्स हैं, तो ए फर्स्ट या सेकंड हमारा आंसर हो सकता है एज पर द नंबर ऑफ कार्बन इस कंसर्न। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, क्योंकि ये 10 कार्बन वाला है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है, इसमें कार्बन कम है। तो थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ तो वैसे रिजेक्ट हो गए कार्बनों के बेसिस पे, अगर हम इस तरह का एक अप्रोच लगाएं तो। वैसे हम केमिस्ट्री लगाते हैं, इन चारों में से कोई ना कोई एक तो आंसर हो गए। इन्होंने एक लाइन लिखी है कि प्रेडिक्ट द कंपाउंड पी ऑन द बेसिस ऑफ एवर रिएक्शन सीक्वेंस वेयर पी गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आप देखें जितने भी ऑप्शन इन्होंने दिए हैं सब में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तो है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं। एक बात, सब में CH3CO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो अच्छा, इनमें से कोई एक हमारा आंसर तो है। अगर हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे, अगर हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो एक कीटोन बनेगा, जबकि इन्होंने यहाँ एल्डिहाइड बनवाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको लेकर शुरू करके देख लेते हैं, सेकंड को लेकर शुरू करके देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन और फिर एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, ये सब लगा के एक एक तरह का एनालिसिस लगा के हमने शुरू कर दिया। लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड गिवन इन ऑप्शन सेकंड, राइट, ये वाला। चलो साहब, आपने इसमें क्या किया, पहले CH3MgBr किया फॉलोड बाय H3O+ किया, तो क्या बन जाना है ये बताओ। CH3MgBr तो यहाँ अटैक करेगा और इसको बना देगा OH, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि हम इसको H2SO4 के साथ हीट करेंगे, तो H2SO4 से हीट करोगे तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद ये बन जाएगा OH2+, और OH2+ में से H2O निकल जाएगा, तो H2O के निकल जाने के बाद ये क्या बन जाएगा बच्चे, H2O के निकल जाने के बाद ये बन जाएगा इस तरह का एक कार्बोकैटायन, ठीक है ना, इस तरह का एक कार्बोकैटायन बन जाएगा ये। इस कार्बोकैटायन पर अब एल्कीन बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एल्कीन बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, ठीक है ना। जब ओजोनोलिसिस करो, इसके बाद एल्कीन बन जाएगा ये, यहां से अब ये एल्कीन बन जाएगा जब आप इसको ओजोनोलिसिस करोगे, सॉरी पहले तो ये एल्कीन बन जाएगा, पहले तो ये एल्कीन बन गया, राइट, ये बन गया इस तरह का एल्कीन ऐसे। अब आपने इसकी ओजोनोलिसिस करवा दी,
ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक H2O, तो क्या होगा बताओ, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा और ये एक सेकेंड, जब ये कार्बोकेटायन बना बच्चे, जब ये कार्बोकेटायन बना तो एल्कीन बनने से पहले इसमें रिंग क्लोजर भी हो सकता है, तो जब रिंग क्लोजर हो जाएगा तो आप देखें कि रिंग क्लोजर के बाद यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर है ये H, ठीक है ना, ये H है और ये डबल बॉन्ड जैसे थे वैसे थे, ये डबल बॉन्ड भी जैसे था वैसे था, ये H प्लस फायर हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो इसने H प्लस को फायर कर दिया, तब ये बन गया इस तरह का एक डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है ना, अब ये डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर एक ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब जरा देखें, अब आप इसकी ओजोनोलिसिस करवाएं, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक वाटर, हम लोग बोलते हैं कि इसमें बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन जोड़ना होता है, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बॉन्ड तोड़ दो साहब, ये है बेंजीन रिंग, इस पर एक CHO आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ दो मिथाइलों के साथ एक कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो इन्होंने बना के दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, आंसर 2। जो JEE मेन के पेपर अभी 2020 वाले देखे जा रहे हैं उसमें ट्रेंड ये है कि ऑर्गेनिक के 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के 10-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिकल के 7-9 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनऑर्गेनिक से 5-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा और ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रिकी भी हैं सारे, जरा देख के करना है इसको, ठीक है, नोट करें। JEE मेन 2029 जनवरी यानी आज का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कम्बस्चन, ये डाइईन्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, और सब में कार्बन सेम है, सारे ये आइसोमर्स हैं, बस इसमें ओरिएंटेशन का फर्क है, जैसे ये ट्रांस ट्रांस है, ये सिस ट्रांस है और वो सिस सिस है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, नंबर ऑफ कंजुगेशन भी सेम है, ठीक है, बस एक ही चीज है कि हीट ऑफ कंबस्चन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबस्चन उतना ही कम होगा, इसको इस तरह से समझें आप, उसको इस तरह से समझें आप बेटे कि एनर्जी लेस द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जिस कंपाउंड की एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर कम हीट होगी तो जलाने पे कम हीट निकलेगी भी सही, ठीक है ना, हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड को कंबस्ट करने पर कितनी हीट निकली, तो देखें आप ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस और सिस सिस, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम होगी, इसके बाद ये जहाँ जहाँ ट्रांस है वहाँ वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और HOC कम हो जाएगी और ये ट्रांस ये सिस सिस है ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, सिस सी की सबसे ज़्यादा है, फिर बी की है और ए की सबसे कम है हीट ऑफ कम्बस्शन, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, नोट करें। JEE मेन 2020 में 9 जनवरी यानी आज के पेपर में एक क्वेश्चन आया आर्टिफिशियल स्वीटनर का, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जब भी हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर शुरू करते हैं हमारी क्लासेस में ना, तो सबसे पहले मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर ही पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रग्स है, एंटी एसिड्स है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यही पढ़ाता हूँ, जरा देखो, ए बी सी एंड डी आर 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों में से उन्होंने कहा कि ए एंड डी गिव पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन एमाइड का या एमिनो एसिड का टेस्ट होता है, जिसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट हो, एमिनो एसिड मतलब एमिनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो उसका टेस्ट होता है। सी फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3 इन लसाने एक्सट्रैक्ट ऑफ शुगर, AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट वो देगा जिसमें हैलोजन प्रेजेंट हो, अगर Cl होगा तो वाइट, अगर Br होगा तो येलो और I होगा तो येलो, ठीक है ना। बी एंड डी गिव पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है जब सल्फर प्रेजेंट हो, ठीक है ना,
अब आप समझ गए क्या, बी और डी में सल्फर है, सी में कोई हेलोजन है, सी एल बी आर आई में से कोई है, और ए और डी में एमिनो एसिडिक ग्रुप है या एमाइड लिंक होगा, ठीक है, पेप्टाइड लिंक। तो मैं पहले आपको चारों व्हाट यू कॉल चारों आर्टिफिशियल स्वीटनर की स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके ये चारों का ये बना लिया। हमारी उस लिस्ट में चार आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम जो है, थोड़ा सा और अगर मैं इसको जूम आउट कर लो बस, एस्पार्टेम में देखो क्या क्या है, इधर एसिटिक ग्रुप होता है, इधर एमाइड लिंक है, ठीक है ना, एमाइड लिंक है, ये एस्पार्टिक एसिड का ग्रुप है, ये फिनाइल एलानिन का ग्रुप है, इसमें ये इधर एस्टर बना के लिखाया गया है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये एस्पार्टेम है, ये जो है ये सैकरीन है, सैकरीन के पास क्या है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। ये सुक्रेलोज है, सुक्रेलोज में आप देखें हैलोजन है, क्लोरो एक यहाँ पर है, क्लोरो और क्लोरो, ठीक है ना। और ये एलिटेम है, एलिटेम इन सभी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में एलिटेम सबसे ज़्यादा स्वीट होता है, और ये सुक्रोज की अपेक्षा लगभग 2000 टाइम्स स्वीटर होता है। सैकरीन सबसे पुराना आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और एलिटेम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसमें देखो, इसमें भी एमाइड लिंक्स हैं, एमाइड लिंक भी है और इसमें सल्फर भी है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, सीन समझ में आ गया पूरा। अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, और पूरे ये चारों स्ट्रक्चर एक साथ लगा के तब पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ देख लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि ए एंड डी की पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रिन, तो ए के पास है एमाइड लिंक और डी के पास भी है एमाइड लिंक, तो ये पॉजिटिव निनहाइड्रिन टेस्ट देंगे, यानी ए और डी जो है हमारे एस्पार्टेम और एलिटेम हो सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि सी फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद एजिनो थ्री, सी जो है ये है क्लोरो इसमें है, तो ये एजिनो थ्री के साथ AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा जो व्हाइट है, तो सी जो है वो सुक्रेलोस होगा। और बी के लिए इन्होंने कहा कि बी एंड डी की पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यानी बी और डी में सल्फर भी प्रेजेंट है, तो बी में सल्फर है सैकरीन में और डी में भी सल्फर है एलिटेम में, ठीक है ना। अब आपको आवाज समझ में आ गई, तो ए और डी का तो हमने निनहाइड्रिन और नाइट्रोप्रोसाइड के हिसाब से सिलेक्शन कर लिया कि ए जो है एस्पार्टेम है और डी जो है वो एलिटेम है, तो ए एस्पार्टेम, डी जो है वो एलिटेम, बी सैकरीन और सी जो है वो सुक्रेलोज। इसके हिसाब से हमारा आंसर आया आंसर टू, ठीक है ना, ए एस्पार्टेम, बी सैकरीन, सी सुक्रेलोज और डी एलिटेम, ठीक है। अब इसमें एक ही बात है कि आपको इनकी स्ट्रक्चर्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड है, इसको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे आप इसको, ठीक है।